अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी फैंस। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग जाने वाला है वो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको पूरी जो हमारा मेकअप का जो जितना भी सामान है और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह हमारे पास है तो उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। तो बस काफी सारा हमें मतलब जो मेरी सिस्टर्स हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट है मेकअप वगैरह में, इसलिए उनके पास अच्छा काफी कलेक्शन मिल जाएगा। तो वो कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ ज्वेलरी का और मेकअप का जो पूरा सामान होगा। तो मिल गए आपसे, देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा मेकअप किट। तो देखिए आप, अब इसको हम ओपन करेंगे और ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो और मेकअप किट्स होंगे उसके बारे में उसको भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए ओपन करिए इसको। ये कहाँ का है? सऊदी का ये। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये पूरा मेकअप किट है। ये सऊदी का है तो इसमें आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, लिपस्टिक एंड जो लिप लाइनर होती है और जो बेस बनता है पूरा ऑलमोस्ट, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आपको सब ये मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए ये, और ये आई थिंक फाउंडेशन है जिसके साथ में आया है। और यहाँ पर देखिए सारे ब्रशेज हैं ये जो भी यूज़ होते हैं, और ये सब यहाँ पे शेड्स अलग अलग तरह के पार्टी वेयर एंड जो भी वेडिंग काफ़ी अच्छा है ना। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन देखिए आप, इसमें काफ़ी सही दिख रहा है, पूरा कलर ही चेंज हो गया है। बाकी मुझे हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसलिए हम इसको इतना ही देखेंगे बस। बाकी फ्रेंड्स ये रहा ज्वेलरी का कलेक्शन जो कि काफ़ी सारा है। हालांकि अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं आपके सामने दिख रहा है क्योंकि जो पास में ही अवेलेबल था तो हमने उसको उठाकर उसी का पूरा व्लॉग में दिखाया। देखिए इयररिंग्स हैं और दूसरे इयररिंग्स भी हैं, पार्टी वेयर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आप किसी की शादी वगैरह में भी वेयर कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल हल्के हैं, काफ़ी नॉर्मल हैं ये, इनका वेट भी काफ़ी कम है। तो ये सारे ही जो जो भी ज्वेलरी है, इयररिंग्स एंड टीका सेट जो है पूरा, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आप आराम से पहन सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बड़ी रिंग है। इसको ये होता है कि आपको ये अपनी जो बीच वाली फिंगर है उसमें इसको आपको पहनना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिखती है पहनने के बाद। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पूरे हाथ को कवर भी कर लेती है। इसमें यहाँ पे बुशरा के पास काफ़ी सारा कलेक्शन इन वाली रिंग्स का भी देखने को आपको मिलेगा। निकाल
और फ्रेंड्स ये रहे बैंगल्स के कलेक्शन। देखिए ये वाला बैंगल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली इसमें जो आपका एक एलिगेंट लुक ये आपको बैंगल देगा, साथ ही ये वाले इस टाइप के बैंगल्स भी होंगे जो कि थोड़ा फंकी टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा सा वेडिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको वेयर कर सकते हैं, ये वो वाला लुक देगा। और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो कोई पार्टी है, नॉर्मल छोटा सा कोई फंक्शन है उसमें आप ये वेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैंसी जो होते हैं आइटम्स उसमें ये आता है। तो ये सारे ही ब्रेसलेट्स अलग अलग तरह के थे जो यहाँ पर मैं आपको ये पहनकर दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इनका लुक अच्छा लग रहा था हाथ में पहनने के बाद। तो ये अलग अलग तरह के बैंगल्स हैं जो कि मैंने सभी ट्राई किए और सभी मैंने यहाँ पर पहनकर देखे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला बैंगल्स एक अलग ही लुक दे रहा था फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये बैंगल कैसा लगा, ये सारे ब्रेसलेट एंड बैंगल्स कैसे लगे आपको। और ये यहाँ देखिए ये टीका भी मैंने पहनकर देखा, काफी अच्छा ये हिजाब पर लुक दे रहा है। एंड देखिए ये इयररिंग्स यहाँ पे मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये रहा लिपस्टिक का कलेक्शन, जिसमें कि सभी लिपस्टिक आपको इसमें मैट की ही दिखाई देंगे, यानी कि कोई ग्लॉसी लिपस्टिक यहाँ पर ये यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सारे ही कलर्स जो भी हैं मैट वाले ही दिखेंगे आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ कलेक्शन ट्राई करना चाहेंगे, देखिए आप भी काफ़ी अच्छा है ये रेड है, और इसके अलावा ये वाला देखते हैं, ये मरून कलर है देखिए आप, और ये यहाँ पर है पर्पल कलर, और एक और देखिए यहाँ पे है ब्राउन, आई थिंक ये ब्राउन है। तो इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पार्कल में आ जाता है, देखिए। और इसके अलावा ये है द वन एंड ओनली हमारा फेवरेट रेड कलर। बस ये तमाम तरह के कलेक्शंस है देखिए यहाँ पर सारे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे हों। तो आप कौन सा ज्यादा शेड अच्छा लगा है उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना सारा कलेक्शन ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाया है। तो अभी हम आपको चूड़ी यानी कि बैंगल्स का कलेक्शन भी दिखाने वाले हैं, तो आप वो देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए ये रहे बैंगल्स का अलग अलग जो कलेक्शन है। देखिए यहाँ पर आपको हर कलर के अलग अलग बैंगल्स नज़र आएंगे, और हर कलर में आपको अलग तरह की जो मटेरियल होता है बैंगल्स का वो भी नज़र आएगा। तो ये जो बैंगल्स आप देख रहे हैं इसमें जो बैंगल्स ये वाले आप देख रहे हैं ये लहंगे के बैंगल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और आप लोग भी कौन से, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज का ये प्रॉपर जो व्लॉग जाने वाला है वो जाएगा कि आज